हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मेरा डेली का व्लॉग नहीं आएगा। डेली का व्लॉग क्यों नहीं आएगा वो रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट यहाँ पे नहीं, कोई और लोकेशन पे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अपन चलते हैं कोई और लोकेशन पे। तो आज मेरा साथ देगा विनोद भाई, ये है। और बैग वैग भी रेडी कर लिए हैं, इस पर मेरा ट्राईपॉड है और माइक है। तो अपन चलते हैं किसी और लोकेशन पर, आप लोग को डायरेक्ट मिलते हैं वहीं पर। चुके हैं एक नया लोकेशन पे, दिख रहा होगा पीछे। शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को पता होएगा, जिसको नहीं पता है आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो पहले कहीं बैठते हैं, उसके बाद आपको तो बताते हैं। सो है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा लोकेशन है। आप में से बहुत सारे जनों को मालूम होएगा कि ये कौन सा लोकेशन है। जिसको नहीं मालूम है मैं उसको बता देता हूँ, ये मुंबई जुहू बीच है, जहाँ पे हर लोग घूरने आता है। जैसे कि हम लोग भी आए हैं और वीडियो बना रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं। पहले घूरने तो बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन अभी वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो अभी चलो घूमते हैं इधर। और मेरा डेली व्लॉग ना आने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलो अभी पहले घूमते हैं और आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं। तो है गाइस, अभी चलने वाले हैं वो साइड, क्योंकि वो साइड क्राउड बहुत ही ज़्यादा है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी चलेंगे उधर, है ना भाई? तो ये अपना छोटा भाई है, रुक जा। क्या नाम है भाई? भाई मेरा नया नाम है। नया नाम क्या है? हा? क्या है नया नाम? नया शिवाजी शेखे भाई नाम है मेरा। बढ़िया नाम है यार। और वो कौन कौन है तुम्हारे साथ? और कौन कौन आया है? तुम्हारा नाम क्या है छोटू? मोहम्मद। मोहम्मद। और उसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम करण है। उधर जहाँ जा रहे हैं तो अभी चलेंगे वो साइड, उधर क्राउड बहुत ही ज़्यादा है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी उधर चलते हैं। तो भाई साहब, विनोद बोल रहा है कि मेरा फ़ोटो खींचो। इसका फ़ोटो खींच रहे हैं क्योंकि ये अपना गर्लफ्रेंड के पास भेजेगा, घूमने आया है इसीलिए। तो खींच देते हैं इसका फ़ोटो, ये कल भेज देगा अपना गर्लफ्रेंड के पास। तो इसका गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई, मेरा गर्लफ्रेंड मुंबई गया है। तो चलो अभी इसका फ़ोटो खींचते हैं। सो गाइस, मैं इसका फोटो खींच चुका हूँ, ये अपना गर्लफ्रेंड को कल भेजेगा। भेजेगा कि नहीं भाई? हाँ भेजेंगे ना। रिप्लाई क्या आएगा वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसका रिप्लाई आप लोग देख सको, है कि नहीं? तो इसका गर्लफ्रेंड क्या रिप्लाई देगा वो लोग आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तो अभी अभी उधर चलते हैं आगे साइड घूमने, क्योंकि आप लोग को बहुत सारा चीज़ दिखाना भी है। तो चलो चलते हैं उधर। जहाज पार हो रहा है, ऊपर देख सकते हो, बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, भाई साहब नहीं तो भैया मैं आपको बता दूं कि मेरा डेली का व्लॉग नहीं आएगा। डेली का व्लॉग क्यों नहीं आएगा ये आप लोग जानना चाहते हो। तो डेली का व्लॉग मैं इसलिए बता देता हूं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और जॉब में 12 घंटा करता हूँ, 12 घंटा मशीन चलाता हूँ। तो आप लोग 12 घंटा मशीन सिर्फ नहीं देख सकते हो, इसके लिए मैंने सोचा कि डेली का व्लॉग ना लाया जाए। जहाँ यदि इधर उधर घूमने जाओ या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो ही अपना वीडियो डालेंगे। इसके लिए बोलने में थोड़ा झिकझिकाहट से हो रही हो तो इसके लिए सॉरी। सो गाइस, मैं मास्क पहन चुका हूँ। मास्क किस लिए पहना हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मास्क इसलिए पहना हूँ क्योंकि आगे नज़दीक आ चुका हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर मास्क वाला पहले से ही फ़ोटो खींच लेता है, जो कि 2-3 बार पहले भी हम लोग आ चुके हैं। फ़ोटो दूर से खींच लिया था मेरा फ्रेंड का और बोला भाई पैसा निकालो, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था उस समय, बच गए। लेकिन अभी आए हैं तो अभी सावधानी रखनी चाहिए, इसके लिए अभी मास्क पहन लिए। अभी चलते हैं और नज़दीक। सोए गाइस, मैं नज़दीक आ चुका हूँ और आप भीड़ देख ही सकते हो कितना है, बहुत भीड़ है। और भीड़ क्यों है? क्योंकि आज संडे है, संडे को जुहू बीच पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अभी और नज़दीक चलेंगे, उधर दिख रहा होगा भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो उधर चलते हैं और देखते हैं उधर क्या क्या है।
इधर तो जहाज भी बहुत सारा चलता है, बट आज जहाज बंद है। पता नहीं क्यों बंद है, लेकिन आज जहाज बंद है। यहाँ जहाज डेली चलता है तो आज बंद है। देखते हैं, उधर चलते हैं, देख ही सकते हो कितना क्राउड है। तो थोड़ा आपको आगे से दिखा देते हैं व्यू किस तरह है, बहुत ही भयानक है। तो आगे के कैमरा से आपको दिखाते हैं तो और अच्छा दिखेगा। तो आप देख ही सकते हो कितना भीड़ है, बहुत सारे जन नहा रहे हैं। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ब्लैक कलर का, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, उधर खाने का मिलता है हर चीज़। उधर बहुत सारे जन नहा रहा है, दूर तक आपको दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं उधर वो बिल्डिंग के साइड में, और रेस्टोरेंट कैसा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दिखा देते हैं। तो भैया मैं चश्मा लाया नहीं हूँ, ये लोग बाजू में फ़ोटो खिंचा रहा है, देखते हैं ये लोग से मांगते हैं देता है कि नहीं, देखते हैं अभी। तो गाइस मैं चश्मा ले चुका हूँ और भाई ने दे दिया, एक मिनट। हाँ तो भाई आपका क्या नाम है, क्या नाम है? शंकर कुमार। तो भाई इसका शंकर कुमार नाम है, ये चश्मा मुझे दे दिया, सोचे देगा कि नहीं देगा, फिर भी मांग लिए। और तुम्हारा क्या नाम है भाई? मेरा क्या नाम है? हाँ क्या नाम है थोड़ा बता दो। और तुम्हारा क्या नाम है? राजा कुमार। ये राजा कुमार, आप लोग कहाँ से हो? कुछ बना रहे हो क्या? हाँ ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग समझ के फेसबुक पे डाल रहे? नहीं यूट्यूब पे डालेंगे। अच्छा यूट्यूब का मतलब आपका वो क्या है? वो बता रहे हैं आपको। तो पहले आप लोग कहाँ से हो? बिहार से। बिहार कहाँ? बिहार से तो हम भी हैं, झारखंड से, वही मतलब दरभंगा से। तो भाई ये लोग का दिल बहुत ही अच्छा है, कैसे हो फ्रेंड? तो भाई ये लोग से मांगे, चश्मा तो दे दिया, दिल का काफ़ी अच्छा है। ऊपर मोदी सरकार का जहाज जा रहा है। तो चलो अभी चलते हैं, इसको दे देते हैं और अपन चलते हैं उधर। लो भाई बस लाइक करिए, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, करिए लाइक। सो गाइस वो लोग दिल के बहुत ही अच्छा था, जो कि चश्मा मांगे तो दे दिया। आप लोग देख ही सकते हो कि बिहार के लोग, हम भी एक बिहारी हैं, तो बिहार के लोग कितना दिलदार होता है, कुछ भी मांगने से तुरंत भी दे देता है, यदि प्यार से बोलो तो हर चीज़ देता है। तो चलो अभी घूमते हैं इधर। इधर फोटो भी खिंचा सकते हो, जैसे कि भाई साहब खिंचा रहा है, इधर देख सकते हो कैमरा मैन ये रहा जो कि फ़ोटो खींच रहा है उसका। हम लोग नहीं खिंचाएंगे। क्यों नहीं खिंचाएंगे तो नहीं बताएंगे, बता देते हैं क्योंकि हम लोग का पास पैसा नहीं है, इसके लिए नहीं खिंचाएंगे। धूप बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो अभी चलते हैं यू टर्न। तो आपको बता दें ये रेस्टोरेंट वगैरह है, ये पूरा रेस्टोरेंट है। तो भैया आपको एक बार ऊपर से ऊपर इधर जा करके इधर नीचे का व्यू दिखा देते हैं पूरा अच्छी तरह से। मेरा शकल काला आ रहा होगा क्योंकि धूप उधर से आ रहा है ना। तो अभी ऊपर चल के आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं पीछे साइड का। ये दिल के साथ सबसे फ़ोटो खिंचाता है, वो खुशी से लेता है, जो आपको इच्छा हो तो दो, इच्छा ना हो तो ना दो, हम लोग से जो हो सके दे दिए। तो भैया जी इधर का भी हम लोग फ़ोटो ले चुके हैं, और फ़ोटो कैसा लिए हैं आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हम लोग को फ़ोटो खिंचाने दूर है नहीं, जैसे तैसे खिंचा लेते हैं। तो आप अपनी देख ही चुके हो रिजल्ट क्या था सो। तो चलो देखते हैं अभी और घूमते हैं।
नहीं जा सकते। तो गाइस हम लोग इधर पूरा घूर चुके हैं, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। और यदि ये ब्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।